हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में इंग्लिश मीडियम में मॉरल वैल्यू में आपका फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ईच वन टीच वन। इसका मतलब है प्रत्येक एक को पढ़ाना चाहिए, एक को पढ़ाना चाहिए। इसमें आपने दो सेगमेंट आपने पहले पढ़ लिए थे और आगे का सेगमेंट मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ से द इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज्ड, भारतीय सरकार को पता लगा, समझ में आया, दैट विदाउट मास एजुकेशन, बिना शिक्षा के, एंड इनकरेजिंग पीपल टू लर्न इट, बिना इसे सिखाए, बिना इसे प्रेरित करे, इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। समस्याएं हल करना बहुत मुश्किल होगा, एंड पेस द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और इस प्रकार भारत देश का विकास करना भी बहुत मुश्किल होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव कल्याण मंत्रालय वॉज कंसिडर्ड द प्राइम फैक्टर, एंड द इंडियन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन एंड विकास मंत्रालय ने माना दैट द प्राइम फैक्टर की मुख्य जो कारक है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, वॉज गियर्ड इट, इसे चलाना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सबसे पहले शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को आगे बढ़ाना चाहिए। गेट अप का मतलब है आगे बढ़ाना। इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चित हुआ, टू स्प्रेड लिटरेसी बाय ओपनिंग मोर एंड मोर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी स्कूल्स इन द विलेज, कि गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल्स डेवलप किए जाने चाहिए बहुत अधिक मात्रा में, बड़ी मात्रा में। द फंड एसोसिएशन, फंड एलोकेशन, और उसमें फंडिंग भी मिले इन द बजट फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए बजट तैयार करने में फंड भी शामिल होना चाहिए, वॉज इंक्रीज, और थोड़ा बढ़ाया हुआ होना चाहिए। एंड इट वॉज ऑल्सो फेल्ट नेसेसरी टू हैव एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, और उसमें प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, या सेक्स एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, जो प्रौढ़ शिक्षा या सेक्स एजुकेशन की कार्यक्रम भी उसमें शामिल होने चाहिए एडल्ट एजुकेशन में। द सिंगल फैक्टर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीजन, सिंगल फैक्टर, और उसका एक मुख्य कारण बहुत रेस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर दिस सैड सिचुएशन, इस दुखद स्थिति के लिए, इज द फास्टर ग्रो पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इट हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट इन द कंट्री, और इसका कारण ये है, साथ साथ में जनसंख्या तो बढ़ी है, बढ़ी रही है, साथ साथ में अनपढ़ लोगों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी ठीक नहीं है। हैंस इस प्रकार, टू मेक इंडिया लिटरेट, भारत को सफल बना, भारत को लिटरेट, भारत को साक्षर बनाने के लिए एन एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम इज एसेंशियल, ये बहुत आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी के आर वी राव के अनुसार, विदाउट एडल्ट एजुकेशन, बिना एडल्ट शिक्षा के, एंड एडल्ट लिटरेसी, इज नॉट पॉसिबल टू हैव द रेंज एंड द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विच इज रिक्वायर्ड, नहीं हो सकती उतना संभव विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उतना संभव विकास नहीं हो सकता जितनी की रिक्वायर्ड, जितनी की जरूरत है। नॉर इट इज़ पॉसिबल, ना ही यह संभव है, टू हैव द एक्सटेंट होल वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ वैल्यू एंड वेलफेयर, कि सबका कल्याण कर पाएँ, हम सबका भला कर पाएँ, ये भी संभव नहीं है। कि अगर हम तब जब हम एजुकेशन की रेट, एजुकेशन को जो जो रेट है, जो दर है, वो नहीं बढ़ाते। टू मेक इंडिया लिटरेट, भारत को सफल बनाने की, भारत को साक्षर बनाने के लिए लिटरेसी कंपेन मस्ट बी मेड एज अ मास मूवमेंट। साक्षरता मिशन को ऐसे लागू किया जाना चाहिए, जैसे कि मास मूवमेंट, अ पीपल कंपेन, जैसे कि लोगों के द्वारा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करा के, एक एक लोग को समझाकर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, सारे के सारे संगठन, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, हाई स्कूल के छात्र आर टू बी प्रेस्ड इन टू वर्क, इन सबको काम में लगाया जाए। इफ वी फॉलो द डिक्टम, अगर हम ये करना चाहते हैं तो ईच वन टीच वन, तो यही सबसे बात पहले जरूरी है कि हर एक को पढ़ाना चाहिए। सून
इंडिया विल बी लिटरेट कंट्री एंड विल मैच विथ विल मार्च अहेड, तो भारत बहुत जल्दी साक्षर देश हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, ये एक थाट है, ये समझिए सर, बिलीव इन थाट, बिलीव इन योर सेल्फ, आप खुद में विश्वास कीजिए, यू कैन मेक अ डिफरेंस, आप सचमुच बहुत बड़ा अंतर ला सकते हो। तो ये था बच्चों ईच वन टीच वन, मुझे लगा है कि मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत सिंपल हैं बेटा, ये आपको करने हैं, मैं पहले दो के करा चुका हूँ, ये आपको करने हैं, नहीं अगर होते तो कमेंट में बताना, फिर मैं आपको कराऊँगा। इसमें क्वेश्चन मैं पढ़ा दूँ आपको क्या है, वाई एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, शिक्षा ज़रूरी क्यों है, तो शिक्षा ज़रूरी क्यों है, एक मनुष्य को मानव बनाने के लिए, जीवन को अच्छा करने के लिए, भारत को साक्षर बनाने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए या किसी भी देश को विकसित करने के लिए शिक्षा और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट प्रोग्रेस डिड इंडिया मेक द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंडिपेंडेंस, शिक्षा के स्वतंत्रता के बाद भारत में एजुकेशन की दर क्या है, एजुकेशन कैसे आई है ये बतानी है आपको। व्हाट डिड द इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज, भारतीय सरकार ने क्या माना है, तो यहाँ पे आज ही मैंने पढ़ाया है, इसमें है भारतीय सरकार ने जो माना है वो समझ में आए कि शिक्षा और उसकी नीति को बढ़ाना चाहिए, ये माना उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ एजुकेशन, ये आज के क्वेश्चन में आया, कौन सा कारक महत्वपूर्ण है शिक्षा की कमी के लिए। उसके बाद व्हाट कैन वी डू मेक इंडिया लिटरेट, हम भारत को शिक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ईच वन टीच वन, प्रत्येक एक को पढ़ाना चाहिए, यही हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया होगा, आप अपने आप कर लेना, थैंक यू सो मच, क्योंकि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, मैंने क्या समझाया हिंदी में, आप बार बार वीडियो देखना और इसकी एक्सरसाइज करना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।